इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, देखो इससे पहले कि स्टार्ट करें टॉपिक, तो जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है ये काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो दिस इज़ बिकॉज कि हम सारे टॉपिक ही कवर करते हैं डिटेल में, और अगर शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे तो सारे टॉपिक विद ऑल एक्सेप्शन को कवर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन है थोड़ा पेशेंस रख के सुनते हैं। ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड, तो कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं होगा, सारे ही पॉइंट इसमें हम कवर करते हैं। सो दैट्स वाई द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर इज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है जब भी हम उसको रिलीज कराना चाहते हैं, तो अगर एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना चाहते हैं तो क्या होना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर हम एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एटम हमें एनर्जी देगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एटम को दूंगा तो एटम भी हमें कुछ देगा, तो एटम क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। पहला केस। दूसरा केस होता है अगर मेरे पास एटम है और मैं एटम से इलेक्ट्रॉन लूँगा तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एटम को मुझे देनी पड़ेगी एटम को एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो एटम हमें एनर्जी देगा, और जब हम एटम को एनर्जी देंगे तो एटम हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन एक थ्योरेटिकल वे में लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो डिफाइन कैसे करते हैं इसे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, amount of heat released or absorbed when one mole of electron are added to 1 mole of an isolated gaseous atom. ठीक है, सो when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom, तो सपोज कोई मेरे पास 1 mole इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास एटम है 1 mole, तो जब हम 1 mole इलेक्ट्रॉन एटम को देंगे तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सो when 1 mole of electron is added to 1 mole of isolated gaseous atom, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू हो सकती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड एक और टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी क्या होता है, चाहत। चाहत किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत, कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को चाह सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी डिस्कशन करेंगे ऑल द डिस्कशन विल बी ऑन द टॉपिक मेड बाय द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सारा का सारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो हीट यहाँ पर रिलीज भी हो सकती है और हीट यहाँ एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लाइक सपोज कोई मेरे पास कोई एटम है, लाइक एक्स एटम है, अगर मैंने इस एक्स एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या कर लेगा ये एक्स एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ से जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। तो जो डेल्टा एच रिलीज हुआ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने पे कितना एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो लाइक सपोज करो मेरे पास दो एटम है, एटम ए एंड एटम बी। ठीक है, एटम ए ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एटम बी ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब एटम ए ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो सपोज करो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है हमारे पास माइनस लाइक सपोज करो 70 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और एटम बी है, एटम बी ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई वो हो गई -180 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये -70 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है और ये -180 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अगर हमें इसमें बताना हो कि विच वन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजिली, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कौन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको बताने के लिए हमें जो काम आती है टर्म वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखो होता क्या है कि इसने क्या किया, 70 किलो जूल ही एनर्जी रिलीज किया और इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो जो बी कंपाउंड है वो चाहेगा कि मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और अपनी एनर्जी क्या करूँ, लोवेस्ट कर लूँ ताकि मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड ईजिली। किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो एलिमेंट उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इजीली विल बी द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इससे सिंपल एमसीक्यू बन सकता है। सो क्या है कि मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव में रहेगी इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन फॉर्म में ले लेते हैं। चलो, लाइक मेरे पास ABCD चार मेरे पास एटम दे रखे हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एक की -10 है, इसकी -20, इसकी -50, इसकी -80। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिंग दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि जो हमारे पास डेल्टा एच होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है इट इज जस्ट ओनली इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कि हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन सिर्फ उसी को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं पूछूँ कि इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कौन किसकी बताओगे आप, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो -10 जो है सबसे ज़्यादा है, मगर यहाँ पर हम केमिस्ट्री लगा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इसमें -80 आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है वो क्या है, सबसे मैक्सिमम हीट रिलीज हुई है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्या है, इसमें सबसे मिनिमम रिलीज हुई है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि -80 लिखा हुआ है तो सबसे कम होगा, -80 जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय द एटम डी, जब डी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसने सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रखी है। ठीक है, और हमें इसमें बताना है कि विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, इन चारों में से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखो मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जितनी ज़्यादा होती है, मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस हम किसके साथ बात करेंगे, विद नेगेटिव साइन के साथ बात करेंगे। तो मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजीली द एटम विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा कोई भी एटम उतनी ही आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यस आंसर इज डी। ठीक है, क्योंकि डी जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस याद रखना है। तो देखो पहले हमने देख ली डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या थी, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, इसके अलावा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, लाइक सपोज करो मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उसने पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ चला जाएगा, एक्स माइनस में, फिर ये एक्स माइनस एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ चला जाएगा, एक्स2 माइनस में, फिर ये एक्स2 माइनस एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहाँ चला जाएगा, एक्स3 माइनस में। ठीक है, इस समय जो इसने एनर्जी रिलीज की दैट इज डेल्टा H1, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3। ठीक है, जो H1 होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना, जो सबसे पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में ही आएगी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, थर्ड वाली भी पॉजिटिव होगी, उसके बाद सारी पॉजिटिव आ जाएंगी, सिर्फ जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में रहती है, बाकी सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। ठीक है, अगर मैं इनका सम लूँ H1, H2 और H3, इन सब का अगर हम सम लें तो सम विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो सम ऑफ सक्सेसिव electron gain enthalpy will be always positive। ठीक है, जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो एक ही है और पॉजिटिव वाले दो हैं, तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सिर्फ वही नेगेटिव होती है, बाकी सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, आइदर इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एनीवन। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये कहाँ चला जाएगा, ओ माइनस में। फिर ओ माइनस क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देन इट विल गो टू ओ टू माइनस। ठीक है, इस वाले केस में सपोज करो जो इसकी एनर्जी थी H1 थी, इसकी एनर्जी H2 थी। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो H1 होगा वो इस केस में नेगेटिव होगा, H2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात ये आती है कि हमेशा जो H2 है वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ H2 और वी कैन से द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सो ऑन और सो ऑन। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू, या थर्ड, फोर्थ, जो भी देखें हम, उसकी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं H1 और H2 का कंपेयर करूं, देखो H1 जो है नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और क्या फॉर्म कर लिया, ओ माइनस फॉर्म कर लिया। मगर जब उसने ओ माइनस फॉर्म कर लिया, अब मुझे अगर उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है तो देखो ये तो पहले से नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ चुके हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब मैं उसे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो जब मैं उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जो एटम है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेट एंड वी आर गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द नेगेटिव एटम। तो जो अगर मैं किसी अनायन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करके उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए सेकंड, थर्ड जो एनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव में होती हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट वाली हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, सेकंड और थर्ड क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको क्वेश्चन को हम आखिरी में देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे टाइप के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है साइज ऑफ एटम। देखो तो साइज कैसे इफेक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वेरी करती है इनवर्सली साइज के साथ। अगर हमारे पास साइज कम होगा तो जब साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम का अगर साइज कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होगा, पास में होगा, और न्यूक्लियस पास में होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से अपने पास क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो साइज कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी उस समय जब एटम हमारे पास छोटा होगा। ठीक है, तो दिस इज द साइज ऑफ एटम, इनवर्सली वेरी करता है। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर Z इफेक्टिव मीन्स द फोर्स दैट द न्यूक्लियस इज एक्सर्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसी को कहते हैं हम Z इफेक्टिव। तो अगर Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको खींचना आसान होगा। तो मोर द Z इफेक्टिव मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है साइज। अगर साइज जो है वो कम रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज को एक बार हम उल्टा कर लेते हैं, अगर साइज बहुत ज़्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, मोर द Z इफेक्टिव मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड आता है, थर्ड फैक्टर इफेक्टिंग इज electronic configuration. Third factor affecting is electronic configuration. तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पता है कि जो हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कन्फिगरेशन आर मोर स्टेबल एंड दे हैव लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. So electron gain enthalpy will be lower with negative value. With negative value. ठीक है, ये विद है. देखो तो अगर किसी के पास लाइक सपोज करो D5 D10 P3 P6 अगर किसी के पास कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के आ रहे हैं तो देखो ये पहले से स्टेबल है और पहले से स्टेबल है तो इसको क्या पढ़िए कि ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे. तो अगर किसी के पास एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है तो क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेना चाहेगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा. तो इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज फुली फील्ड और हाफ फील्ड विच इज़ मोर स्टेबल स्टेट देन द एटम विल डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली. तो अगर इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगी. मीन्स वो एनर्जी क्या करेगा, कम रिलीज करेगा. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है. It has less tendency to accept electron when there is half field or fully filled state. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो कम एक्सेप्ट करना चाहेगा जब उसके पास हाफ फील्ड या फुली फील्ड स्टेट है. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका वेरिएशन कैसे होता है. ठीक है, तो वेरिएशन में सबसे पहला हम देखेंगे, फर्स्ट इज along the group. ठीक है, तो अगर हम अलोंग द ग्रुप देखें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे वैसे वैसे साइज बड़ा होगा और साइज बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता रहेगा, दूर जाता रहेगा. लाइक सपोज करो मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इसमें ये इसके सेल्स हैं, ये एक न्यूक्लियस है और ये इसके शेल हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सेप्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन खींच लेगा, तो इसका न्यूक्लियस इसके पास में बैठा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, खींच सकता है, गेन कर सकता है. जबकि यहाँ पर देखो न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा अंदर हो गया. जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अंदर हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा. तो साइज जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है. अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती है. इसका मतलब जो ग्रुप में ऊपर हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो ग्रुप में नीचे हैं. ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आते हैं तो एक्सेप्शन हम देखेंगे. अभी पहले तो हम देख रहे हैं कि इसमें जनरल वेरिएशन क्या होता है. ठीक है, एक्सेप्शन तो बहुत सारे आएंगे इसमें, वो हम देखेंगे. ठीक है, तो जनरल वेरिएशन ये है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, नेगेटिव साइन के साथ कम होती रहती है. सेकेंड वन इज अलॉन्ग द पीरियड. तो पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे ऑन मूविंग इन ए पीरियड साइज विल डिक्रीज. जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं वैसे साइज डिक्रीज होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है विद नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी. ठीक है, दोनों उल्टे वेरिएशन होते हैं. अगर कोई चीज़ ग्रुप में जाते हुए कम हो रही है तो पीरियड में जाते हुए क्या होगी, बढ़ेगी. तो सिंपल सा लॉजिक है. और वैसे भी जब साइज छोटा होता जाएगा तो ये वाला लगा लेते हैं लॉजिक, जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या किया जाएगा, खींच लिया जाएगा. तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे पीरियड में वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है विद नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, अब देखो जो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में. ठीक है, हर टॉपिक में जो एक्सेप्शंस हैं क्वेश्चन बेसिकली वहीं से बनते हैं. तो एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो जो एक्सेप्शन है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे, जो ग्रुप नंबर 2, 15 से 18 यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, देखो एक तो मैं देख रहा हूँ जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट अगर हम लिखें तो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लें, देखो याद नहीं करना है, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि जो ट्रेंड है वो कहाँ से डेविएट हो रहा है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो इसको हमें याद नहीं करना है, जस्ट जो ट्रेंड है उसको जानने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। देखो तो ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 का ये वेरिएशन दे रखा है। देखो माइनस साइन हमें पता है, माइनस साइन क्यों लगा है यहाँ पर, तो माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिंग कि हम एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है एटम से, और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन इज ओनली इंडिकेटिंग कि जो एनर्जी है वो हम दे रहे हैं। तो प्लस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एनर्जी हम दे रहे हैं, माइनस क्या शो कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, देखो पीरियड मूव करने का हमने जनरल जो रूल देखा था वो क्या देखा था कि ऑन मूविंग इन ए पीरियड साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो -60 से 66 बढ़ी, फिर देखो यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ और कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम, फिर कम, फिर बढ़ गई। तो देखो वेरिएशन जो है यहाँ पर अजीब सा यार है, कोई इसमें नॉर्मल ट्रेंड बन ही नहीं रहा है। तो अगर नॉर्मल ट्रेंड बन नहीं रहा है तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, तो जो सीक्वेंस है वो याद रख लेते हैं। जो ट्रेंड है वो नॉर्मल चल नहीं रहा है, तो अगर ट्रेंड नॉर्मल नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो देखो अगर मुझे इसे अरेंज करना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा नियॉन की, नियॉन से कम किसकी है, बेरिलियम की, बेरिलियम से कम किसकी है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से कम किसकी है, लिथियम, देन फिर बोरोन, देन फिर कार्बन, देन फिर ऑक्सीजन, देन फिर फ्लोरीन। तो ग्रुप पीरियड नंबर 2 में दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नॉर्मल ट्रेंड नहीं चल रहा है यहाँ पर, नॉर्मल ट्रेंड से हटके कुछ ट्रेंड आ रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कैसे कैसे चल रहा है। नियॉन की पीरियड नंबर 2 में सबसे हाईएस्ट और फ्लोरीन की पीरियड नंबर 2 में सबसे कम। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। देखो दूसरा एक्सेप्शन जो आता है वो आता है इन ग्रुप्स। तो हम अगर देखें जनरली इन पीरियड नंबर 16 और 17, तो 16 के मेंबर कौन से हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो और इसके फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, निमोनिक्स पढ़े थे हमने कैसे कैसे इसको लर्न किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 15 को भी देख लें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और स्टीबियम। जो एक्सेप्शन आता है इसमें वो आता है पहले 2 एलिमेंट्स में। ठीक है, देखो जो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा था, जनरल ट्रेंड में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, वैल्यू विल डिक्रीज। मगर इसमें होता क्या है कि जो ये वाले एलिमेंट हैं, सेकंड वाले एलिमेंट, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इज एक्सेप्शनली मोर विद नेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सेप्शनली मोर विद नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो इनमें ज़्यादा है, जो सेकंड मेंबर्स हैं इनके, इनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मेंबर। ठीक है, मीन्स क्लोरीन कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एज सल्फर कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है सेकंड वाले एलिमेंट की एक्सेप्शनली हाई होती है एज कम्पेयर टू द इट्स फर्स्ट मेंबर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोरीन का और क्लोरीन का, मुझे इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो जब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो होगा क्या, फ्लोरीन में जो कन्फिग्रेशन है क्या है, 1s2, 2s2, 2p5 और क्लोरीन में जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p5। ठीक है, तो ये है क्लोरीन का कन्फिग्रेशन। देखो इसका 3d जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन में सिर्फ कितने शेल्स हैं? 2 शेल हैं। इसमें कितने शेल हैं? टोटल 3 शेल हैं आउटर मोस्ट में। अब देखो अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो जैसे ही फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा वैसे क्या होगा, क्योंकि साइज छोटा है इसका, तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से जो फ्लोरीन है इट विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन है इसका साइज देखो बड़ा है, इसमें 3 शेल हैं, सो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाहेगा तो क्लोरीन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन विद नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मीन्स क्लोरीन जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। देखो होना किसका चाहिए था? फ्लोरीन का, क्योंकि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से खींच सकता है, मगर है किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन में क्या हो जा रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक अलग थिंग होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक पॉइंट और हमेशा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर द क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो सेम केस है, देखो यहाँ पर हमने एक्सेप्शन कहाँ कहाँ देखा था, 15, 16 और 17 में। 17 का रीजन देख लिया हमने। 16 जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन और सल्फर में अगर मैं कंपेयर करूँ तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। रीज़न जो है, रीज़न क्या रहेगा? सेम रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कम टू द ऑक्सीजन देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सल्फर आसानी से कर सकता है क्योंकि उसका जो साइज है वो बड़ा है। जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है इसमें भी सेम केस है। जो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का साइज है वो छोटा है। जब साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा नाइट्रोजन में, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो आनाकानी करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। जबकि फॉस्फोरस के पास क्या साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो फॉस्फोरस क्या कर सकता है? इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। फॉस्फोरस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है, इसीलिए जो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको अरेंज करूं, ठीक है, अगर इन सबको अरेंज किया जाए, सबसे पहले लाइक हम सपोज को अरेंज कर लेते हैं ग्रुप नंबर 15 को। तो 15 के मेंबर कौन कौन से थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम और बिस्मत। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी? फॉस्फोरस की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, देन फिर नॉर्मल ट्रेंड आर्सेनिक, स्टिबियम एंड बिस्मत। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में देखूँ, 17 के मेंबर्स कौन कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ग्रुप नंबर 17। इसमें भी ये 2 एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये जो एक्सेप्शन है दिस वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नोबल गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू। नोबल गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज नोबल गैसेस हैव फुल्ली फिल्ड, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है। नोबल गैसेस हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पूरा भरा है, तो अगर किसी का पेट ही भरा हुआ है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा और हम जबरदस्ती करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, तो नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ठीक है, तो नोबल गैसेस हैं, इन सबकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है? दे ऑल हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो देखो अभी तक हमने जो एक्सेप्शन है वो क्या क्या पढ़े हैं, जो एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, तो पहला एक्सेप्शन पढ़ा था हमने पीरियड नंबर 2 में, दूसरा एक्सेप्शन पढ़ा था हमने ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 में। इनमें जो फर्स्ट टू एलिमेंट थे, फर्स्ट टू एलिमेंट, उसमें एक्सेप्शन आ रहा था। तीसरा है कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, अगर हम नोबल गैसेस को भी अरेंज कर लें, जैसे हमने ग्रुप नंबर 15 इसको अरेंज किया, 16 इसको अरेंज किया और 17 इसको अरेंज किया, इसी तरह से अगर हम नोबल गैसेस को भी अरेंज कर लें तो नोबल गैसेस जो हैं वो भी अलग ही अपना रुख दिखाती हैं। तो देखो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मली हमने पढ़ा है ग्रुप में नीचे जाते हुए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। मीन्स हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। जो नियॉन है, नियॉन की एक्सेप्शनली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, नियॉन की, उससे कम आर्गन की, उससे कम क्रिप्टन की, उससे कम जेनन की, उससे कम रेडॉन की, और सबसे कम वैल्यू होती है हीलियम की। तो हीलियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट होती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, नियॉन की एक्सेप्शनली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वैल्यू में, तो वैल्यू में कितनी होती है, इट इज़ 114। ठीक है, बुक्स में 116 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 114 से 116 के बीच में कुछ वैल्यू होती है, वो हाईएस्ट है नियॉन के लिए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ये हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अगर हम ग्रुप नंबर 16 में कंपेयर करें तो मेंबर कौन से होते हैं इसके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये इसके मेंबर्स होते हैं। पोलोनियम तो होता है रेडियोएक्टिव, तो इसको छोड़ते हैं। तो देखो बेसिकली हमें कंपेयर करना है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में। ठीक है, तो देखो इसमें जो एक्सेप्शन आ जाता है कहाँ पर आ जाता है, पहले जो एलिमेंट में आ जाता है एक्सेप्शन, मीन सल्फर की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मगर इसमें अलग से भी एक्सेप्शन आ जाता है। ऑक्सीजन की एक्सेप्शनली सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सबसे ज़्यादा होती है सल्फर की, सल्फर दैन उससे थोड़ी सी कम सेलेनियम की, सेलेनियम से कम टेलुरियम की, टेलुरियम से कम पोलोनियम की, और सबसे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये अलग ही है। ठीक है, पूरा ट्रेंड से हटके चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो वन पॉइंटर देख लेते हैं हम कि कौन कौन से वन पॉइंटर होते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट इज़ मेजर्ड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हम मेज़र करते हैं 298 केल्विन पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कि ध्यान रखना है। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट है नोबल गैसेस में, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में जो नियॉन है, नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नोबल गैसेस में नियॉन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। इवन जब पूरी पीरियड टेबल में क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ की बात करें तो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इट हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन की ग्रुप नंबर 16 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्लास ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सो जो एक्सेप्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उसमें कभी कभी उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब ध्यान रखने हैं। एक्सेप्शंस तो हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जितने भी हमने टॉपिक लिखे हैं उस टॉपिक के अगर आप नोट्स बना लोगे और नोट्स बना के उसे बार बार रिवाइज करोगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, ऐसे वीडियो देख के हमें समझ आ जाएगा, मगर फिर हम उसको नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो जो हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इनके नोट्स बना लेते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो। ठीक है, ओके।